सभी को नमस्कार। मैं सरिता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लोकोज एप्लीकेशन की आगे की जानकारी लेकर। सबसे पहले मैं लोकोज एप्लीकेशन को ओपन करूँगी। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, हमने एक पिन जनरेट किया था, उसी पिन से, जो पिछली मीटिंग में हमने पिन जनरेट किया था, उसी पिन से मैं एप्लीकेशन को ओपन करूँगी। मैंने अपना पिन डाला 1 2 3 4 करके और एप्लीकेशन दोबारा से मेरे सामने ओपन हो गई है। यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया था, जो ऊपर वाले 2 बॉक्स हैं अभी हमें उनसे काम नहीं लेना, और जो नीचे वाले जो 2 बॉक्स हैं उससे भी अभी हमें काम नहीं लेना है। जो बीच वाले जो बॉक्स हैं वहाँ SHG 0 दिख रहे हैं और SHG प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन। सबसे पहले हमें SHG प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन में जाना है, और यहाँ अपलोड व डाउनलोड दो तरह के पेज हमारे सामने आए हैं, और अभी हमें डाउनलोड पर ही काम करना है। अपलोड स्टेटस और अप्रूवल स्टेटस के बारे में मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगी। अब मैं बात करूंगी कंप्लीट डेटा और मास्टर डेटा के विषय में। मास्टर डेटा हमारा पहले ही डाउनलोड हो जाता है जब हम लॉगिन आईडी व पासवर्ड डालते हैं। अभी मैं कंप्लीट डेटा डाउनलोड करूंगी। मैंने कंप्लीट डेटा पे क्लिक किया, और जो SHG ब्लॉक BPM द्वारा हमारी आईडी में डाले गए हैं, वो SHG अपनी आईडी में शो करने के लिए हमें कंप्लीट डेटा पे क्लिक करना है। और इसी के साथ साथ हमारे पास SHG की संख्या आएगी, जैसे पहले 1 था अब 2 हो गया है, और जैसे लास्ट में दिखा रहा है 5, हमारे आईडी में 5 SHG डाले गए हैं SHG, और इसमें से 3 डाउनलोड हो चुके हैं और धीरे धीरे हमारे 4 हो गए हैं अब, और सारे ही SHG हमारे डाउनलोड हो जाएंगे। और हमारे हमारे सारे ही SHG डाउनलोड हो चुके हैं, डेटा डाउनलोडेड सक्सेसफुली। तो मैं ओके पे क्लिक करूंगी और बैक स्क्रीन जाकर मैं देखूंगी कि क्या ये SHG मेरी आईडी में आ चुके हैं। जैसे हमने SHG की काउंटिंग यहाँ 0 दिख रही थी, अब यहाँ 5 दिख रही है, क्योंकि हमारे जो 5 SHG ब्लॉक BPM द्वारा हमारी आईडी में डाले गए थे वो SHG हमारे पास आ गए हैं। मैंने क्लिक किया और देखिए आप सबके सामने हमारे 5 SHG ये दिख रही हैं। अब मैं कुछ कलर्स यहाँ पे दिए गए हैं उसके विषय में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास जो कलर है, सबसे पहले मैं SHG के नाम के विषय में आपको बताऊंगी। जो SHG के नाम है वो अल्फाबेट के हिसाब से दिखाई देंगे। मैं बात करूंगी सबसे पहला SHG जो ज्योति महिला SHG है उसके विषय में। यहाँ एक ग्रीन पट्टी दिख रही है। इस ग्रीन पट्टी का मतलब है कि अभी इस SHG पर कोई काम नहीं किया है, कोई डेटा हमने इसका अपलोड नहीं किया है। जब हम इस SHG का डेटा अपलोड कर देंगे तो यह पट्टी बदल जाएगी, इसका रंग बदल जाएगा, यह येलो कलर की हो जाएगी। अब मैं बात करती हूँ इस कोड की, जो येलो कलर में कोड दिया गया है, यह ज्योति महिला SHG का MIS में जो कोड है वह है, ये कोड दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी जो 19/6/2014 हमें डेट दिख रही है, यह डेट ज्योति महिला SHG की फॉर्मेशन डेट है। इस दिन ज्योति महिला SHG का गठन किया गया था। अब मैं बात करूंगी ग्रीन सर्कल के विषय में। जो ग्रीन सर्कल में संख्या दिख रही है, जैसे 12 संख्या दिखाई दे रही है, यह समूह सदस्यों की संख्या है, और इसके साथ साथ 3 डॉट्स दिए गए हैं, और इस 3 डॉट्स पे SHG प्रोफाइल समरी अपलोड स्टेटस सिंक्रो डाटा एंड डिलीट डाटा। अभी हम सदस्यों के विषय में जान लेते हैं। मैंने अगर हमें समूह सदस्यों पे जाना है तो हमें सदस्यों की संख्या पर क्लिक करना है, और सारे सदस्यों की लिस्ट हमारे सामने निकल के आएगी। इस समूह में 12 सदस्य हैं और 12 के 12 सदस्यों की लिस्ट हमारे सामने आ गई है। और अब मैं सदस्यों की बात करती हूँ। जैसे यहाँ राजकुमारी हमें दिखाई दे रही है, इनके साथ साथ हमें ग्रीन पट्टी दिखाई दे रही है। इस ग्रीन पट्टी का भी मतलब यही है कि अभी हमने राजकुमारी का कोई डेटा भी अपलोड नहीं किया है। जैसे ही हम राजकुमारी की जानकारी यहाँ पे डालते हैं तो इस पट्टी का रंग येल्लो हो जाएगा और ये अपलोड के लिए तैयार होगा। तो अब मैं कोड की बात करती हूँ। यहाँ पे कोड दिया गया है, यह राजकुमारी का MIS कोड है, और राजकुमारी 19/6/2014 से ही हमारे ज्योति महिला SHG की
सदस्य है। मैंने राजकुमारी पर ही क्लिक किया। आगे के कलर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे दो तरह के कलर्स दिए गए हैं, एक ग्रीन पट्टी है एक वाइट पट्टी है। ग्रीन पट्टी में जो डेटा है वो माइग्रेट डाटा है, हमारे एनआरएलएम से, हमारे एनआरएलएम एमआईएस से जो डेटा लिया गया है वो ग्रीन पट्टी में हमें दिखाई दे रहा है, और जो वाइट पट्टी है यहाँ हमें डेटा भरना है। ग्रीन पट्टी में जो डेटा दिया गया है, अगर हमें लगता है कि इस डेटा में कुछ गलती हो रखी है, हम इसे चेंज कर सकते हैं, हमें यहाँ चेंज करना है। आगे की पूर्ण जानकारी मैं अगली बैठक में, अगली अगली वीडियो में आपको देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।